बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम जिस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने 10 क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। हम इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको सॉल्व आउट करना है। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस पोजिशन में आ जाएंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इन 10 क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो आप वहां पे उस क्वेश्चन के साथ उसका टाइम मेंशन है, उस टाइम पे मेंशन करके आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम इन जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें पहले दो क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल हैं इनको सॉल्व करेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आते भी इनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जिन क्वेश्चन में हमें सम टाइम प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती है, सम टाइम लॉस की परसेंटेज दी होती है, सम टाइम हमें प्रॉफिट की अमाउंट दी होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, तो हमने उसमें से कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस निकालनी होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मिलते जुलते हैं, ये हम प्रैक्टिस के लिए इनको करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रॉफिट या लॉस की जो कैलकुलेशन है उसको कॉस्ट प्राइस को बेस बना के सॉल्व करना है। कैसे करना है इसको अभी हम यहां पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए परचेज द बुक फॉर $20 एंड सोल्ड फॉर $25, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट? अब हमारे पास क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन? कॉस्ट $20, सेल $25। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया? 25 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास $5 का प्रॉफिट आ गया। अब ये तो हमारे पास वो प्रॉफिट है जो अमाउंट में दिया हुआ है, उसने क्या पूछा है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट की अमाउंट जो कि हमारे पास $5 है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट हमारी कितनी है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का परसेंटेज, जिसको हम सिंपलीफाई करेंगे 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, यानी कि हमारी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 25% जो प्रॉफिट है। अब कॉमन मिस्टेक क्या है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है? लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन के अंदर 5 को 20 से डिवाइड करने की बजाय 25 से डिवाइड कर देते हैं सेल प्राइस से, जो आपने नहीं करना। आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। सेल प्राइस से आप सिर्फ उस वक्त डिवाइड करेंगे जब उन्होंने मेंशन किया होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल फाइंड आउट करें। अगर उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया हुआ कि परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल कॉस्ट प्राइस पे आप इसको डिवाइड करेंगे 5/20 × 100, जैसे हमने यहां पे किया है। अब जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परचेज द बुक फॉर $20 एंड सोल्ड फॉर $25, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस? अब यहां पे उसने मेंशन किया हुआ कि आपने सेल प्राइस पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है हमारा प्रॉफिट कितना है, $5, सेल प्राइस कितनी है? $25। सिंपल हम सोल्व आउट कर लेंगे प्रॉफिट ओवर सेल इंटू 100 करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/25 × 100, 25 × 4, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 × 4 = 20%, जो कि हमारा क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जहां पे उसने हमें कहा था कि सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट निकाले, वहां पे हमारा क्या आया था? 25%। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसने मेंशन किया होता है कि परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सेल प्राइस पे फाइंड आउट कर जाते हैं जबकि करना होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो वो क्या करते हैं जी, 25% की जगह पे उन्होंने 20% पे क्लिक कर दिया, लेकिन वो आंसर गलत होता है। आपने सिर्फ सेल प्राइस पे उसको फाइंड आउट करना है जब वो आपको मेंशन करे कि फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन थे फाइंड आउट करने के, लेकिन
इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर विच वॉज परचेज्ड फॉर $50 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अच्छा, इसके ऊपर हम पहले डिस्कस कर ले हमने की क्या दिया हुआ है। कॉस्ट इज ऑलवेज 100%। 100% का क्या मतलब है? बेस, यानी कि इसकी बेस के ऊपर हम बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट हमारी हमेशा 100% रहेगी। अगर प्रॉफिट आपका 10% है तो आपकी सेल प्राइस क्या होगी? 110%। इसी तरह से हमारे पास लॉस हुआ 20% का, तो हमारी सेल प्राइस क्या होगी? 80%। यानी कि सेल प्राइस वो चीज है जो कम या ज्यादा होगी, या 110% चल जाएगी या 100% नीचे आके 80% पे आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस आपकी फिक्स रहेगी 100% पे। आपने बस ये चीज माइंड में रखनी है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा आपकी बेस प्राइस है, 100% है। तो आप उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करके सेल प्राइस की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर निकालना है हमने। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। परचेज प्राइस या फिर कॉस्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है? $50। प्रॉफिट कितना है? 10%। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 50 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी? $5। तो हम सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 50 + 5, दिस इज इक्वल टू 55, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है। अगर हमसे पूछी होती प्रॉफिट कितना है, तो हम कहते $5। कॉस्ट हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर विच वॉज परचेज्ड फॉर $50 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। अब हमें पता है सेल हमने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट हमारे पास कितनी है? $50। लॉस कितना है? 10% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 10% ऑफ 50, दिस विल बी इक्वल टू $5। तो हमारी सेल प्राइस क्या आ जाएगी? 50 - 5 इज इक्वल टू 45। तो उसने पूछा था व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर, हम कहेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है? $45। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल वॉज 600, अब यहां पे हमें सेल प्राइस दे दी है 600 एंड प्रॉफिट वॉज 20%। प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी, प्रॉफिट की हमें परसेंटेज दी हुई है 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको सिंपल देख लें, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट वाला है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सेल प्राइस हमारे पास कितनी है? 600। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट कितना है? 20%। अगर हमें प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100% हमेशा से। अगर प्रॉफिट 20% है तो सेल प्राइस हमारे पास क्या होगी? 120%। अब हमारे पास क्या गिवन है, इनकी परसेंटेजेस हमने फाइंड आउट कर ली है। सेल प्राइस 120%, कॉस्ट प्राइस 100%, प्रॉफिट 20%। हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस। हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600, यानी कि 120% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 600। सिंप्लीफाई कर ले, 120 ओवर 100 इंटू सी इज इक्वल टू 600, सी इज इक्वल टू 600 इंटू 100 ओवर 120। ये 120 ओवर 100 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके रिवर्स हो जाएगा। सिंपलीफाई कर लें, सी इज इक्वल टू
500, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 500, तो प्रॉफिट कितना होगा? अगर सेल प्राइस 600 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, तो प्रॉफिट 100, सिंपल आपके पास आ गया। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने पहले सेल प्राइस की परसेंटेज फाइंड आउट की है। क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सेल प्राइस की अमाउंट गिवन थी 600, तो हमने क्या किया, हमने जब उसकी अमाउंट आ गई तो हमने कहा 120% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 600। जब ये क्वेश्चन बन गई तो हमने यहां से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल वॉज 800 एंड लॉस वॉज 20%, देन व्हाट फाइंड कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे, सिमिलर वे, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100% है, लॉस कितना है 20%, तो सेल कितनी होगी 80%, और आपके पास अब सेल प्राइस अब अवेलेबल है 800, तो आप यहाँ से इन दोनों की प्राइसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी लॉस भी, कुछ भी फाइंड आउट करना हो। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, 80% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 800, 80 over 100 into C is equal to 800, C is equal to 800 into 100 over 80, सिंप्लीफाई कर ले, 1000 हमारी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी 1000 थी, सेल प्राइस 800 थी, तो लॉस हमारा कितना हुआ 200। अगर आपसे उसने क्वेश्चन में लॉस पूछा होता तो आप लॉस बता देते कि 200 है, यहाँ पे हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है तो हम बता देंगे 1000 हमारी कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पेन वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ $10, इफ प्रॉफिट वाज 20% देन व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। आप पहले देख ले हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट अवेलेबल है $10 और प्रॉफिट की परसेंटेज अवेलेबल है। क्या करेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट हमारे पास पता है $10 है और प्रॉफिट हमारे पास 20% है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, हमने यहाँ पे प्रॉफिट के नीचे लिख ली। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट हमारे पास है 100%, सेल प्राइस 120%, ये चीजें हमने खुद ड्राइव कर ली। अब आपको पता है प्रॉफिट $10 है, प्रॉफिट 20% है, बेस हमारा क्या है कॉस्ट, तो क्वेश्चन क्या बनेगी हमारा, 20% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू $10, सिंप्लीफाई कर ले, 20 ओवर 100 इंटू सी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 10 इंटू 100 ओवर 20, 5 इंटू 10 आर 50, तो ये हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अगर आप सेल प्राइस पूछी होती है आप क्या करते, कॉस्ट प्राइस आ गई है प्रॉफिट भी आपके पास है, तो आप क्या करते 50 + 10 = 60 हमारी सेल प्राइस है। ये हमने अपनी सब चीजें फाइंड आउट कर ली। बस इसमें की क्या है, मेन चीज जो आपने फाइंड आउट करनी है ये इक्वेशन बनानी है। अगर आपने ये इक्वेशन सही बना ली तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे सिमिलर क्वेश्चन है। बी बॉट अ हाउस फॉर $8,000 एंड सोल्ड फॉर $10,000, फाइंड प्रॉफिट इन परसेंटेज। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है सेल प्राइस 10,000 है, कॉस्ट 8,000 है, प्रॉफिट कितना होगा 2,000, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट हमारी बेस है, इनटू 100, सिंपलीफाई कर लें, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 25%, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाय सेलिंग अ पेन फॉर $18, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है $18, ए अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वट इज कॉस्ट प्राइस। इसको आप उसी तरीके से सोल्व करेंगे, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे, सेल हमारे पास आ गई $18, कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट की हमें परसेंटेज गिवन है 20%, हमें पता है कॉस्ट 100% है, तो सेल क्या होगी 120%, आपने कॉस्ट निकालनी है, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है।
एक्स, हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे सेम तरीके से, 120% ऑफ कॉस्ट और एक्स जो भी आप कह लें इज इक्वल टू 18. सिंप्लीफाई कर लें, 120 ओवर 100 इंटू सी इज इक्वल टू 18. सी इज इक्वल टू 18 इंटू 100 ओवर 120. सिंप्लीफाई कर लें, फिफ्टीन आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस या एक्स थी. अगर आपसे उसने प्रॉफिट की अमाउंट पूछी होती आप क्या कहते, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, ये आपका प्रॉफिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. बाय सेलिंग अ चेयर फॉर $40, सेल प्राइस हमें दी हुई है $40, ए अर्न अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ चेयर. सिमिलर क्वेश्चन है, हम फिर क्वेश्चन बना लेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस. लॉस कितना हुआ है 20%, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है $40. हम क्या करेंगे, 20% लॉस आ गया तो कॉस्ट हमारी क्या होगी 100%, तो सेल प्राइस क्या आ गई 80%. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है. आप क्या करेंगे, 80% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 40. 80 ओवर 100 इंटू सी इज इक्वल टू 40. सी इज इक्वल टू 40 इंटू 100 ओवर 80. सिंप्लीफाई कर लें, 250 और 100, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गई 50. अगर आपसे लॉस पूछा होता तो आप क्या कहते, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, आपके पास लॉस की अमाउंट आ जाती. तो इस तरह आपसे जो भी अमाउंट पूछी हो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड या कोई सजेशंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द आंसर कर सकें. और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर लें. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.